नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। त्योहारों का मौका है इस समय, देश दुनिया विदेशों में भी भारत के जो त्यौहार हैं सबसे अहम त्यौहार लेकर आते हैं, यह दिवाली। दिवाली पर लोगों के घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं, पूरे देश भर में तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसा एक त्यौहार जो भारत भर में मनाया जा रहा है, उस त्यौहार को लेके यहाँ पे चंडीगढ़ का गौशाला है, चंडीगढ़ में गौरी शंकर सेवा दल गौशाला है। यहाँ पर एक अलग तरह के आप देखेंगे, एक ऐसे दिए जहाँ गोबर से तैयार किए जा रहे हैं, इनमें कई तरह की सामग्री भी मिलाई जा रही है। आइए हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के जो प्रबंधक कमेटी हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं और हम जानेंगे कि आखिर ये आइडिया कैसे आया, किस तरह की ये टेक्निक है और क्या नया है इन दियों में, मट्टी के दियों के अलावा ये किस तरह से नए हैं और इनमें क्या क्या कई नई खासियत है। आइए इनसे जानते हैं। हमारे साथ विनोद जी हैं। विनोद जी, अर्थ प्रकाश टीवी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये देख सकते हैं कि गौ माता के दूध की तो सबको पता है कि गौ माता का दूध बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, गौ माता का गौमूत्र। और जो एक लास्ट चीज़ थी कि गोबर, गोबर में जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया कि गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, और दीपावली का जो हम पूजन करते हैं उसमें लक्ष्मी जी की पूजा हम सबसे मेन मानी गई है। तो उसमें हमने जो ये दीपक बनाए हैं ये गोबर से और कुछ हवन सामग्री जैसे जटामासी, पीली सरसों, गूगल, जो हमारे घर के वातावरण को शुद्ध रखती हैं, वो चीज़ें हम मिला के ये बना रहे हैं। और पिछले 4 वर्षों से हम ये चीज़ें बना रहे हैं और लोगों में निःशुल्क वितरण की जा रही हैं। कितनी अमाउंट होती है इन दीपकों की जो आप हर दिवाली तैयार कर रहे हैं, कितने लोग ले जाते हैं? लोग तो काफ़ी, जितने भी यहाँ गौशाला से हमारे जुड़े हुए गौ भक्त हैं और शहरवासी पूरे के पूरे जितने हैं जो इन चीज़ों को, मतलब जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो सभी इन चीज़ों को लेके जाते हैं और हमारी ओर से ये निःशुल्क वितरण किया जाता है। इसके हमारी ओर से कोई चार्जेस नहीं है। और ये आपने मिट्टी के दीपक तो सुने होंगे, मिट्टी के दीपक जब हम जलाते हैं पहले तो बड़ा अच्छा होता है, उसके बाद वो वेस्टेज का एक वो आ जाता है कि उसको हम क्या कैसे करें। दीपावली जब हमने पूजा करनी है उसको धोते हैं, उसका दीपक जलाते हैं, ये जो है ये जीरो वेस्टेज है। ये जब हम इसमें दिए में हम तेल डालेंगे और बत्ती लगाएंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा दिया जल जाएगा। जलने के बाद आप जो इसकी राख है वो, उस राख को आप गमलों में भी खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मतलब जीरो वेस्टेज और इको फ्रेंडली जो दिया वातावरण को शुद्ध रखेगा और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, वो दिया हम ये बना रहे हैं। और जी अपनी अपना गूगल, जटामासी, ये कुछ जो लोवान, ये कुछ जो आइटमें होती हैं ये हमारे हवन सामग्री में नियंत्रण डलती हैं जी। उससे ये रहता है जी, जब भी हम इसको हवन में लगाते हैं तो वो हमारा जो वातावरण होता है जहाँ का भी वहाँ का शुद्ध हो जाता है जी। ये हिंदू धर्म में किस तरह से लाभदायक रहता है ये जी? हमारे हिंदू धर्म में इसलिए इस प्रकार लाभदायक रहेगा, हम इसका जब भी इसका जलाएंगे इसको अपने घर पर, ये एक हवन की तरह ही जल जाएगा। इसको हमने जब भी जलाना है, अभी तो गीला है जैसे कि, इसको जब ये सूख जाएगा तो इसमें हमने सरसों का तेल या देसी घी उसमें डाल के इसकी दीपमाला चलाएंगे, तो इसके नीचे हमने स्टील की प्लेट रखनी है, उसके साथ साथ ये सारा ही जल जाएगा। जैसे ही ये जलेगा तो ये जीरो वेस्टेज है, इको फ्रेंडली इसका नाम दीपक है जी। और जैसे ही ये जलेगा तो हम इसको, ये जो राख रहेगी उसको चाहे अपने बर्तन साफ़ कर लो आप या अपने गमले में डाल दीजिए। ये दीपक के कई फ़ायदे हैं, जिस तरह से अगर इसे आप घर में उपयोग करते हैं तो इससे जो घर का शुद्धिकरण होता है, जो हवन में सामग्री उपयोग की जाती है वो तो एक लाभदायक है ही है, ये पूरा जल जाता है वो भी एक लाभकारी है। दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसको उपयोग करने पर आपके घर में जो मक्खी मच्छर छिपकलियाँ होती हैं, कॉकरेज हो गए, ये सब दूर भागते हैं इस चीज़ के उपयोग से, जो कि इसका एक लाभकारी फ़ायदा है। जो गौरी शंकर सेवा दल है ये कई सालों से है, इसका कभी 5,000, आने वाले टाइम में 10,000, धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए और आज ये 25,000 दीपकों को अपने हाथों से यहाँ के जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए तैयार कर रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं राहुल तिवारी, अर्थ प्रकाश न्यूज चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।